कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने असित मोदी के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया है। शैलेश का आरोप था कि प्रोडक्शन टीम ने उनकी सैलरी रोक ली है, उनका महीनों का मेहनत का पैसा टीम की ओर से नहीं दिया गया। अभी टीम तारक मेहता कोर्ट में केस लड़ ही रही थी कि एक और आर्टिस्ट ने शो को छोड़कर टीम के कुछ लोगों के खिलाफ केस कर दिया है। हम बात कर रहे हैं रोशन सिंह सोढ़ी की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री की। जेनिफर ने एक लीडिंग मीडिया हाउस से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमनी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट एट वर्क प्लेस के तहत केस किया। एक्ट्रेस का आरोप है कि उनके साथ सेट पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ। वहीं एक्ट्रेस ने कहा कि मैं जब सेट छोड़ रही थी तो मेरी बेइज्जती की गई, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। सोहेल रमनी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज ने मिलकर मेरी बेहद बेइज्जती की। एक्ट्रेस ने कहा कि 7 मार्च का दिन था, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने टीम के लोगों को कहा था कि मुझे आज जल्दी जाना है, मेरी सालगिरह है और होली है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे 4 बार सेट से निकल जाने को कहा गया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मेरी गाड़ी के पीछे खड़ा होकर मुझे रोकने तक की कोशिश की ताकि मैं सेट छोड़कर ना जाऊं। मैंने उनसे कहा कि मैंने शो में 15 साल तक काम किया है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं जा रही थी तो सोहेल ने मुझे धमकी दी। मैंने असित मोदी, सोहेल रमनी और जतिन बजाज के खिलाफ केस किया है। जेनिफर ने ये भी कहा कि वहाँ काम कर रहा कोई भी शख्स असित मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन हर कोई सच जानता है। जेनिफर ने कहा कि तारक मेहता में काम करने वाला हर आर्टिस्ट बॉन्डेड लेबर बन चुका है। मैंने शो को अपने 15 साल दिए और मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो सोचिए ये लोग न्यू कमर्स के साथ क्या क्या करते होंगे। जेनिफर के इन सभी आरोपों के बाद टीम की तरफ से भी बयान जारी किया गया। टीम के एक सदस्य ने कहा कि जेनिफर में बेसिक डिसिप्लिन ही नहीं था, वो काम पर कभी फोकस नहीं करती थी। हमें प्रोडक्शन हेड की तरफ से हमेशा उसकी कंप्लेंट्स आती थी, उसके बिहेवियर की कंप्लेंट्स आती थी। अपने शूट के आखिरी दिन भी वो बेहद अब्यूसिव होकर गई। उसने अपना शूट तक पूरा नहीं किया, वो सेट पर पूरी टीम के साथ रेगुलरली मिसबिहेव करती थी। सेट छोड़कर जाते हुए भी वो अपनी गाड़ी को बहुत गंदे तरीके से तेजी से चलाकर लेकर गई, बिना ये सोचे कि किसी को चोट लग सकती है। उसने सेट की प्रॉपर्टी को भी हार्म किया। हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया क्योंकि वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इनडिसिप्लिन्ड थी। जब ये सब हो रहा था तब असित जी USA में थे और अब वो हमें डिफेम करने की कोशिश कर रही है, हम पर बेसलेस एलिगेशंस लगाकर। हमने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। वेल, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो कोर्ट ही तय करेगी। लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि जो भी एक्टर शो छोड़ रहा है वो असित मोदी के और शो के खिलाफ ही बोल रहा है। एक इंसान झूठा हो सकता है, 2 झूठे हो सकते हैं, लेकिन हर कोई झूठा कैसे हो सकता है? सेट पर कुछ तो ऐसा यकीनन हो रहा है जो कलाकारों के साथ नहीं होना चाहिए। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।